वेलकम बैक टू अमिता की किचन से। और आज मैं काले चने की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो कि प्रोटीन से भरपूर है। यह टेस्टी होने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं काले चने, 3 कप काले चने लिए थे। उनको मैंने 4 कप पानी में बॉयल कर लिया है। थोड़ा सा नमक डाला था, 1 टीस्पून नमक डाला था। और 4 सीटी के बाद में मैंने इसको मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक उबाला है। ये देखिए हमारे जो चने हैं अच्छे से बॉयल हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने मसालों में लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 सूखी मिर्च और 1/2 टीस्पून जीरा, नमक स्वाद के अनुसार। नमक मैं कम ही डालूंगी क्योंकि मैंने जब चनों को बॉयल किया था तो तभी भी डाला था। और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 2 लौंग, 2 काली मिर्च और 1 तेज पत्ता। और यहाँ पर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, 2 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल लूँगी। और यहाँ पर मैंने 5 स्मॉल साइज के टोमेटो को मैंने पीस लिया है। और यहाँ पर थोड़े से मैंने चने ले लिए थे, उनको भी मिक्सी में पीस लिया है। ये मैंने इसलिए पीसा है ताकि हमारी जो ग्रेवी है चनों की वो थोड़ी गाढ़ी बने। आप इसकी जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के ऑनियन को ग्रेट कर लिया है, 2 ग्रीन चिली ली है, 1 पिंच हींग का, आधा कटोरी हरा धनिया और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाल दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर जीरा, सोटे कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर डालूंगी मैं तेज पत्ता, 2 काली मिर्च और 2 लौंग। सूखी लाल मिर्च, और इनको अच्छे से भून लेंगे। ये हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब मैं डालूंगी इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इनको अच्छे से सोटे कर लेंगे। ये जो मैंने अनियन को ग्रेट किया था, मैं डाल दूंगी। इनको भी अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज का कलर हमारे ब्राउन हो गया है, ये देखें। अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने प्यूरी बनाई थी, टमाटो प्यूरी, ये डाल देंगे। और ये जो हमारा काले चने का पेस्ट था, ये भी साथ में डाल दूंगी मैं। ग्रीन चिली और 1 पिंच हींग का। और ये जो मेरे सारे मसाले हैं, धनिया पाउडर, ये अमचूर पाउडर, ये सब डाल दूंगी मैं। और इनको अच्छे से हम भून लेंगे मसाले को, जब तक कि ये जो मसाले हैं ये ऑयल ना छोड़ दे। ये मसाला हमारा अच्छा भून गया है। और मसाला भूनने में मुझे 15 मिनट लग गए हैं। कभी मैंने इसको हाई फ्लेम में और कभी मीडियम फ्लेम में मसाले को भूना है। और अभी तक मैंने मसाले में कोई पानी नहीं डाला है। और मैंने 1 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड की है मसाले के अंदर, जो कि मैं भूल गई थी। अब हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हरा धनिया, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी फ्लेम गैस तो मीडियम है। और अब मैं डाल दूंगी चने इसके अंदर, ये मैंने चने डाल दिए। और इनको मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी,
आधा गिलास पानी डाल रही हूँ मैं। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख लीजिए, चपाती के साथ लेनी है तो थोड़ी गाढ़ी और राइस के साथ थोड़ी पतली रख लीजिए। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी इसको कुक होने में भी टाइम लगेगा, तो थोड़ा हमारा और ये जो सब्जी है थोड़ी और ठीक हो जाएगी। इसलिए अभी मैं इसको मीडियम फ्लेम में ढक कर रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद में हम अपनी सब्जी चेक करेंगे। सब्जी को बनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। पहले 5 मिनट में मैंने फ्लेम मीडियम रखा था, अब हाई रख दिया है। अब देखते हैं सब्जी को। सब्जी हमारी बन गई है। टोटल मुझे सब्जी को कुक करने में 10 मिनट लगे हैं। देखिए अब हमारी सब्जी बिल्कुल से सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसको सब्जी को सर्विंग बाउल में डालते हैं। सब्जी को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। कुछ मैंने भी प्याज के स्लाइस कट किए थे तो हम इनसे गार्निश कर लेंगे इस तरह से। अब मैं धनिया की पत्ती लगा दूंगी। ये हमारे चने की सब्जी तैयार है। आप इसको चपाती के साथ या फिर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी सब्जी है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी जो रेसिपी है उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।